नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विगत 22 दिसंबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में कुमार विश्वास के उपस्थित में हुए कवि सम्मेलन को लेकर के मामला गरमाता जा रहा है। बता दें कि CAA को लेकर के देश भर में प्रदर्शनों को देखते हुए पूरे देश के साथ साथ रीवा में भी धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी कुमार विश्वास का बृहद कवि सम्मेलन धारा 144 लगे होने के बावजूद कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था, जिसके संदर्भ में समाज सेवी RTI एक्टिविस्ट अधिवक्ता BK माला के द्वारा पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया था कि धारा 144 लागू होने के दौरान 5 लोगों का भी एक जगह इकट्ठा होना वर्जित होता है, लेकिन इस बड़े कार्यक्रम को लेकर के हजारों लोग एक स्थान पर एकत्रित होंगे तो क्या इससे शासन और प्रशासन की, संविधान की धारा 144 का उल्लंघन नहीं होता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि कुमार विश्वास के आने का कोई विरोध नहीं है और यह रीवा के लिए गौरव की बात है, लेकिन धारा 144 लगे होने के दौरान इस तरह के कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी। और यह मामला तब और तूल पकड़ता जा रहा है जब NSUI और ABBP के साथ ही साथ पिछले दिनों भाजपा नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी के द्वारा किए गए समर्थन में किए गए आंदोलनों के बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तारियां ली गई थी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। मामलों को लेकर देखिए, आज रीवा जिले में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर कवि श्री विश्वास जी का आगमन हो रहा है, ऐसा समाचार पत्रों में प्रकाशन और खबरें प्रकाशित हुई। इस आशय की जैसे जानकारी हमें प्राप्त हुई, समूचे देश और सभी प्रदेशों में धारा 144 लागू है। किसी कार्यक्रम की आयोजन की अनुमति जिला दंडाधिकारी द्वारा नहीं दी जा रही है। पूर्व में जितनी अनुमति दी गई थी, उस सभी अनुमति निरस्त कर दी गई हैं, इसलिए कि अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं। आयोजन देने से, किसी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति देने से वहां पर किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं घटित हो सकती हैं। 5 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने से कोई दंगा, कोई दहशत, कोई ऐसा वातावरण निर्मित हो सकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए समूचे देश और प्रदेशों में जिला दंडाधिकारियों द्वारा यह आदेश प्रकाशित कर दिया गया है कि धारा 144 जिन जिलों में लागू है वहाँ किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं घटित न हो, शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, किसी प्रकार की घटनाएं न हो और घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और किसी योजना न बनाई जाए। भीड़ भाड़ के क्षेत्रों पर संजीदगी और ध्यान दिया जाना चाहिए। पुलिस बल को ये हिदायत और नोटिस जारी की गई है, सूचना दी गई है। परंतु द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।